कोई भी यूट्यूब की वीडियो जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है उसके पीछे उतनी ही मेहनत होती है, बट स्टिल वो वीडियो क्रिएटर बहुत ही कम टाइम में उस वीडियो को बनाता है। सो मेरा नाम ड्रॉक्स है और मैं लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो एडिट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एडिट करना तो कितनी मेहनत लगती है उसमें। बट जैसे जैसे हम वीडियो एडिट करते जाते हैं चीज़ें ईजी होती जाती हैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो वो बहुत ही बेकार थी, बट जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता गया वो इम्प्रूव होती गई। तो जब मैंने अपनी पहली और 50वीं वीडियो कंपेयर की तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। और इस चेंज का कारण ये था कि मैंने बहुत सी चीज़ें ध्यान में रख के उन वीडियोज़ को एडिट करा था, और मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो दैट जो भी मेरे दोस्त जो एडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो अपने घंटों बर्बाद होने से बचा लेंगे। तो नंबर वन चीज जो मैंने सीखी थी वो है फाइल मैनेजमेंट। तो जब भी मैं पहले वीडियो बनाता था तो मैं कहीं से भी अपनी वीडियो उठा के टाइमलाइन में डाल देता था, फिर उसके बाद जब मुझे कोई भी चेंजेस करने होते थे तो फिर मैं जाता था वापस और घंटों बर्बाद कर देता था उस फाइल को ढूंढने में, जिससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तो फिर मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया फोटेजेस का, इमेजेस का और ऑडियो का, और अकॉर्डिंग टू वीडियो मैं उसको ऑर्गेनाइज करता गया। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, वो अकॉर्डिंग टू नीड है कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वीडियो, ऑडियो और इमेजेस का अलग से एक फोल्डर रखता हूं और उनको अकॉर्डिंग टू उनके फोल्डर के हिसाब से रख देता हूं। जैसे वीडियो में मैंने वीडियो की फाइल रख दी, ऑडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक्स रख दिए, ऑडियो रख दिए, साउंड इफेक्ट रख दिए, इमेज में मैंने इमेज की हर टाइप की फाइल रख दी। अब दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी थी वो थी शॉर्टकट्स। अब शॉर्टकट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आपको बहुत फास्ट एडिट करनी हो, अगर आपको जल्दी से कट लगाना हो, बहुत जल्दी से पेस्ट करना हो, अगर आपको टाइमलाइन बड़ी करनी हो, छोटी करनी हो, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब आपको शॉर्टकट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप ध्यान में रख के जैसे ही स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपके हाथ जमने लगेंगे, आपके हाथ ऑटोमेटिकली कट पे, ट्रिम पे जाने लगेंगे। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के वैसे तो, बट हम प्रीमियर प्रो की बात करें तो बहुत से शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल के से कट होता है वगैरह वगैरह, बट आप इन शॉर्टकट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट से छोटी वीडियो बना दूंगा और उसके बारे में उसमें डिटेल में बात करूंगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो है कि हम नॉन कॉपीराइट फुटेजेस यूज़ करें। अब नॉन कॉपीराइट फुटेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि यूट्यूब में कभी भी कॉपीराइट पड़ सकता है। एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, मैं एक क्लाइंट के लिए वीडियो बना रहा था यूट्यूब के लिए और वो क्रिकेट से रिलेटेड थी, तो मैंने BCCI की एक वीडियो यूज़ की थी और उनने फिर जैसे ही अपलोड की उस वीडियो को तो उस पर कॉपीराइट पड़ गया था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उन फुटेजेस का यूज़ करें जिस पे कॉपीराइट ना पड़े और जो फ्री हो। अब वो कहाँ से मिलेंगी? यूट्यूब एक सोर्स हो सकता है, बट उसमें बहुत सी वीडियो जो हमारे मन की है वो नहीं मिलती हैं। तो ऐसी कई वेबसाइट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अभी भी। तो पहली वेबसाइट है पिक्साबे। अब पिक्साबे बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, उसमें आपको हर टाइप का कॉन्टेंट मिलेगा, इलस्ट्रेशन भी, वीडियोज़ भी, ऑडियोज़ भी, सब। दूसरी है पिक्सल। अब पिक्सल में आपको बहुत वैरायटी नहीं मिलेगी, बट जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत मिलेंगी। और तीसरी है फ्री पिक। अब फ्री पिक ज़्यादातर इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है, बट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी वेबसाइट हैं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए एडिट करते रहो।